हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अर अकेडमी माई नेम इज शिवांगी गौतम एंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी विल अबाउट अ वेरी इम्पोर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम नहीं नहीं ये स्कीम इस बार के बजट में नहीं आई है बट देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम जहाँ पे हमको हिंदुस्तान की जो ऑन्टरप्रनोरियल जर्नी है जो स्टार्टअप का कल्चर है हिन्दुस्तान में किस तरीके से वृद्धि पर है वो सब जानने को मिलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस स्कीम के क्यों ये आई किस तरीके से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ आइए एक एक करके देखते हैं जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उन्होंने 477 करोड़ का एक आप बोल सकते हो तो अप्रूवल दिया था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंडर अंडर ही ये जो अप्रूवल आया है रादर अगर हम इस स्कीम की बात करें किस पर्टिकुलर इवेंट में आया है किस पर्टिकुलर स्टेज पे आया है वो जानते हैं तो ये जो एक फ्लैगशिप स्कीम है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ही ये स्कीम को लॉन्च किया गया है जहां पे सीड फंडिंग एक अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी नए बिजनेस आइडिया को पनपने के लिए किसी भी नए स्टार्टअप आइडिया के वेरी इनिशियल पार्ट में जो दिया जाता है गोल क्या होता है इस पर्टिकुलर सीट फंडिंग का कि हम कैसे कंपनी uh, को रेडी कर सकते हैं एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग के लिए ताकि वो धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करे सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बिकम सेल्फ सस्टेनिंग जहां पर एटलीस्ट दे आर अर्निंग सर्टन प्रोफिट या फिर जितना उनका इनकम है उतना ही वो दे आर स्पेंडिंग अक्रॉस ऐसा नहीं हो रहा कि दे आर कंटिन्यूअसली जस्ट टेकिंग द मनी बट दे आर नॉट जनरेटिंग एनी वेल्थ इन रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू द पार्ट हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन आता है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम वो ये आता है स्टार्टअप इंडिया इनिशियेटिव क्या है सीड फंड स्कीम तो लेकर आ गई सरकार जहाँ पे रफली पाँच सौ करोड़ का उन्होंने एक इम्पल्सिव मोड भी दे दिया कि चलो हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे बट ये स्टार्टअप इंडिया इनिशियेटिव क्या है हिंदुस्तान की सरकार एक ऐसा रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में बनाना चाहती है जहां पे वो नर्चर करना चाहती है इनोवेशन को दे वांट टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बार्डिंग ऑन्टरप्रिन्योर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसी फ्लैगशिप फ्लैगशिप स्कीम के अंडर हमको स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप एस आई एस एफ एस जो आप देख सकते हो द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड देखने को मिलेगी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द स्टार्टअप सब कुछ देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग स्टेजेस पे ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्रोथ रादर दिए जाएंगे अलग अलग स्टार्टअप्स को ताकि वो अपने बिजनेस साइकिल को एक्सिलरेट कर पाए स्टार्टअप इंडिया फंड का एक अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इज इट पॉसिबल कि अगर मैं अपना स्टार्टअप खोलूं और व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन मी वो कैसे आएगा तो स्टार्टअप इंडिया के लिए किसी भी स्टार्टअप का जो रिक्निशन है ना वो आता है डीपीआईआईटी से ये जो डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर और एक कंडीशन दी जाती है कि कम से कम दो साल पुराना आपका स्टार्टअप होना चाहिए नॉट मोर देन दैट ठीक है जब भी आप अप्लाई करोगे कम से कम आपको 10 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए मॉनेटरी सपोर्ट नथिंग मोर देन दैट फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको मान लो 10 लाख और दो रुपए का भी इन्वेस्टमेंट मिल गया है किसी ना किसी तरीके से मॉनेटरी सपोर्ट मिल गया स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप इंडिया फंड एलिजिबिलिटी अगर अनदर प्रोमनेंट फैक्टर आता है कि प्रेफरेंस दिया जाता है उन स्टार्टअप्स को जो कोई ना कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं इन सेक्टर्स में कौन से कौन से जैसे सोशल इंपैक्ट हुआ वेस्ट मैनेजमेंट हुआ वाटर मैनेजमेंट हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन एडुकेशन एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर एनर्जी मोबिलिटी डिफेंस स्पेस रेलवेज ऑयल एंड गैस और टेक्सटाइल इन द सिंपल टर्म्स वो सारे के सारे सेक्टर्स जो हमारे सोशल बैकवर्डनेस को हटाएंगे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटाएंगे और हिंदुस्तान के बच्चों का लेबर्स का स्किल डेवलप करके किसी न किसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे नॉट जस्ट फॉर द अर्बन यूथ बट ऑल्सो फॉर द रूरल यूथ स्टार्टअप इंडिया फंड की अगर हम बात करें तो ये ऑपरेट कैसे करता है जो स्टार्टअप इंडिया के जो ये फंड है यहां पर जो डिसबर्समेंट दी जाती है या जो पैसा दिया जाता है किस किस तरीके से किस किस एलिजिबल इंक्यूबेटर्स के थ्रू दिया जाता है यहाँ पे चार कॉमन फैक्टर्स आते हैं अगर आप देखोगे पहला आता है हमारे पास द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अगर हम बात करें जो कि नोडल डिपार्टमेंट है कोई भी अगर स्टार्टअप uh, फंड uh, में कहीं पे भी सीड uh, फंडिंग करनी है कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है वो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगा एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होती है जहां पे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो पिछली लिस्ट में मैंने जो सेक्टर्स डिस्कस करे कि ये स्टार्टअप इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं इनका विजन क्या है मिशन क्या है उन सबको डिटेल में स्टडी करती है ये टीम इनक्यूबेटर्स होते हैं जो कि कम से कम दो से तीन साल के लिए ऑपरेशनल होने चाहिए और फिर कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज करेगा कि दो साल से ज्यादा पुराना ना हो स्टार्टअप इंडिया फंड में 3600 से ज्यादा ऑन्टरप्रिन्योर्स को 300 अलग अलग इंक्यूबेटर्स के तहत अगले चार साल तक सपोर्ट करने की बात की जा रही है जहां पे पांच करोड़ तक का ग्रांट दिया जाएगा इन इंक्यूबेटर्स को जो कि कमेटी ही सेलेक्ट करेगी ये जो इंक्यूबेटर्स हैं इनको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा आप बोल सकते हो ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए इनको ये पैसा दिया जाएगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जो भी इनका कॉन्सेप्ट है मान लो ये वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उनके लिए उसके लिए इनके पास कोई आइडिया है हाउ कैन दे प्रूव दैट पर्टिकुलर आइडिया प्रोटोटाइप उसका डेवलप करेंगे उसके लिए इनको मशीन की जरूरत है इनको अपने साथ रूरल फार्मर्स को लेने की जरूरत है और फिर उसका ट्रायल करके दिखाएंगे कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना है इसका आउटपुट कितना आएगा और जो भी इन्वेस्टर्स होंगे जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे पचास लाख तक का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है स्टार्टअप्स को फॉर द मार्केट एंट्री और कमर्शलाइजेशन जहां पर वो अपस्केल कर सकते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में या डेट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू स्टार्टअप इंडिया फंड की क्या जरूरत थी मतलब इतने सारे स्कीम्स होने के बाद भी क्यों हिंदुस्तान की सरकार को लगा कि हमको एक ऑन्टरप्रिन जर्नी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारे को एक पूंजी की सहज उपलब्धता ज अ वेरी वेरी वेरीशल क्राइटेरिया फॉर द्रेनोर मतलब हम कभी भी बात करें कोई भी ऑनटरप्रिन्य उसकी जेब में पैसा नहीं है कैपिटल नहीं है वो भले ही कितना अमेजिंग आइडिया लेकर आए अंटिल एंड अनलेस दैट कैन बी पुट टू समूशन इट विल नॉट बी हेल्पफुल एट ऑल इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इस कैपिटल इन एडिकुसी की वजह से बहुत सफर करता है जहां पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वाले डेवलपमेंट स्टेज में ही uh, आप बोल सकते हो ऑफ प्लांट्स जस्ट ले आ, लो सीड ऑफर करेंगे ऐसे प्रॉमिसिंग केसेस में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ताकि वैलिडेशन मिलेगा बिजनेस आइडिया को, को ये समझ आएगा कि हमारा आइडिया खराब नहीं है क्योंकि हमको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के स्टेज पे ही पैसा मिल गया हम आगे की फंडिंग को रेज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ रोजगार सृजन में भी बहुत ज्यादा मदद होगी अब कौन से कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि स्टार्टअप्स के लिए आए हैं ऐसा तो है नहीं कि भाई सरकार डायरेक्टली बोल रही आ जाओ आ जाओ आपका स्टार्टअप दो साल से कम पुराना है और हम आपकी मदद कर देंगे फॉर दिस पर्टिक्युलर पार्ट ऑल्सो द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैज कम अपटन इनिशियटिव पहले इसमें है द स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज जो की एक फैंटेस्टिक अपर्च्युनिटी है स्टार्टअप के लिए नेटवर्किंग बढ़ाने की फंड रेजिंग एफर्ट्स के लिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स ताकि रिकोगनाइज किया जा सके आउटस्टैंडिंग स्टार्टअप्स को इको सिस्टम एनेबलर्स को कि भाई किस तरीके से इनोवेशन को लेकर आ रहे हैं इको सिस्टम में क्या क्या नया इकोनॉमिक डायनामिजम इंजेक्ट कर रहे हैं अलॉन् वेद स्टेट की कौन सा कौन सा स्टेट अपने स्टेट के स्टार्टअप को कितना सपोर्ट करता है जहां पे एक इवेल्यूएशन टूल को लेकर आएंगे सो दैट दे कैन स्ट्रेंथन द सपोर्ट ऑफ द स्टेट यूटीज और होलिस्टिकली हर स्टेट में हम एक बहुत प्रोमनेंट स्टार्टअप इको सिस्टम को बिल्ड कर पाए एस स्टार्टअप फोरम जो कि शुरू हुआ था अक्टूबर 2020 में जहां पे कलेक्टिवली डेवलप करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को अलोंग विद दैट प्रारंभ समिट जो कि एम करता है कि हम किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग स्टार्टअप्स को यंग माइंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे कैन कम टूगेदर जहां पे नए आइडियाज इनोवेशन इन्वेंशन इन सारे के सारे एरियाज को डेवलप कर सकते हैं और हिंदुस्तान के ऑन्टरप्रिनोरियल जर्नी में जो हमको एक कैपिटल इनएडिक्वेसी का गैप देखने को मिलता है उसको फिल करने के लिए क्या क्या सरकार कोशिश कर रही है उस पर हम कैसे जद्दोजहद कर सकते हैं उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आज की क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही थैंक यू सो मच स्टेट ट्यून फॉर मोर प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अन अकेदमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल थैंक यू एंड हैव अ गुड डे